हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पेटीएम के कैशबैक ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड मनी करने पे आपको कैशबैक मिलेगा। तो आपको कैशबैक कैसे मिलेगा, कितना कैशबैक मिलेगा, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें अपना पेटीएम ऐप्स ओपन कर लेना है, उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। हमें यहाँ पे जो कैशबैक एंड ऑफर्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें फिर से नीचे आ जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो है वॉलेट ऑफर्स का जो ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे जो ऑफर शो हो रहा है ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट का, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मुझे पेटीएम के वॉलेट में मिनिमम 10 रुपये ऐड करने पर 10 रुपये का कैशबैक रिसीव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे में और पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट ऑफर्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं मेरा जो ऑफर्स था यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो हमें ऐड मनी करने के लिए जो ऐड मनी वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक कर देना है। हम पेमेंट पेज पर आ गए हैं, तो हमें अपना पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट जो हमने पेटीएम में लिंक करके रखा है, उसी से पेमेंट करना है। तो हमें पे नाउ पर क्लिक कर देना है और हमें यहाँ से हमारा जो UPI पिन है हमारे बैंक का, हमें इंटर कर लेना है। मैंने अपना UPI पिन इंटर कर दिया है, मेरे पेटीएम वॉलेट में मेरा मनी सक्सेसफुली ऐड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है, हमें यहाँ पे जो कैशबैक वाला ऑप्शन शो हो रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे स्क्रैच कार्ड रिसीव हो गया है, तो हम इसे स्क्रैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मुझे फ्लैट 10 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पर रिसीव हो गया है। अगर आपको इसको चेक करना है आपके वॉलेट में ऐसा ऐड हुआ है या नहीं, तो हमें यहाँ से बैक आ जाना है, बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। देखते हैं पेटीएम बैलेंस में मुझे यहाँ पे मेरा बैलेंस हो रहा है, मैंने 100 रुपीज़ ऐड किया था, जो मेरा पैसा यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। और पेटीएम वॉलेट में जो मुझे कैशबैक रिसीव हो गया था, वो भी मुझे रिसीव हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपीज़ का कैशबैक मुझे रिसीव हो गया है ऐड मनी करने पर। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आ जाना है। इसमें एक और ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें कैशबैक एंड ऑफर्स वाला ऑप्शन हो रहा है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से वॉलेट ऑफर्स पर आ जाना है। हमें यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट का, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। और आप यहाँ पे इसका कंडीशंस पढ़ सकते हैं। अगर पेटीएम वॉलेट पे 3000 मिनिमम ऐड करने पे हमें फ्लैट 30 रुपये का कैशबैक रिसीव हो जाएगा। और हमें पेमेंट अपने पेटीएम के UPI से करना है, तो हमें इसके बाद नीचे आ जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो एक्टिवेट ऑफर्स का ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमें ऐड मनी करने के लिए ऐड मनी पर क्लिक कर लेना है और हमें यहाँ से मिनिमम 3000 रुपये ऐड कर लेना है। तो मैं 3000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक कर देना है। मैं पेमेंट पेज पे आ गया हूँ। उसके बाद हमने अपने पेटीएम के UPI में जो बैंक अकाउंट लिंक करके रखा है, हमें उसी से पेमेंट करना है। अगर आप किसी दूसरे माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो हमें पे पर क्लिक कर देना है। हमें यहाँ से अपने बैंक का जो UPI पिन हमने सेट किया था, हमें इंटर कर लेना है। मैंने UPI पिन इंटर कर दिया है और मेरा जो ऐड मनी मैंने किया है सक्सेसफुली मेरे वॉलेट में ऐड हो गया है। उसके बाद हमें फिर से नीचे आ जाना है और हमें यहाँ जो कैशबैक वाला ऑप्शन हो रहा है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कैशबैक रिसीव हो गया है। तो हम इस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कर लेते हैं और आप देख सकते हैं मुझे 30 रुपीज़ का कैशबैक रिसीव हो गया है। दोस्तों अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं, तो आप भी अपने ऑफर सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफर्स मिला होगा तो आप भी ऑफर्स को अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी कैशबैक रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।